फिलर सी एनिमे के अंदर कितनी वैल्यू होती है, क्या किसी फिलर की इतनी पावर होती है क्या वो किसी एनिमे को डिस्ट्रॉय तक कर दे। पहले जिन लोगों को नहीं पता फिलर्स क्या होता है, फिलर बेसिकली अनवांटेड एपिसोड होते हैं, मतलब जिनका मेन सोर्स कोई लेने देना नहीं होता, बेसिकली एनिमे को फिल करने के लिए बनाए जाते हैं वो। और क्या हर एनिमे के अंदर फिलर होना इंपॉर्टेंट होता है? इसका आंसर है 50% यस 50% नो। जो अगर कोई मांगा ऑन गई और उसे एनिमे भी निकाल दिया और कुछ टाइम आगे जाके उसकी मांगा रुक जाती है और एनिमे मांगा था कैचअप कर लेता है, तो एनिमे को चलते रहने के लिए फिलर डाले जाते हैं जो शोर से कोई टेंशन नहीं होता, बस इसलिए कि मांगा आगे बढ़े और मांगा को फिर से कैचअप कर ले एनिमे। इसी चीज का बहुत बड़ा एग्जांपल है ब्लीच या नारुतो। और कुछ एनिमे ऐसे होते हैं जिनकी मांगा खत्म हो चुकी होती है और उनके उसके बाद उनके एनिमेशन स्टूडियो स्टार्ट करता है एनिमेट करना, जैसे कि डीमन स्लेयर। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या फिलर से पावर होती है, क्या वो किसी एनिमे को डिस्ट्रॉय कर दे? तो हाँ, इसके दो एग्जांपल बताता हूँ। एक तो ब्लीच, जिसके अंदर इतने ज्यादा फिलर आ गए थे कि लोगों ने देखना छोड़ दिया था उसको। दूसरा ब्लैक क्लोवर, जो एक पॉइंट पे आके मांगा से बहुत क्लोज आ गया था और उसके अंदर फिलर डालने से इनकार कर दिया था, तो एनिमे को रोकना ही लास्ट सॉल्यूशन बना। और जो एनिमेशन स्टूडियो थे उनके पास और प्रोजेक्ट भी हारे थे, तो उन्होंने एनिमे को ड्रॉप ही